Hello everyone, I'm Azhar Riaz and you're watching my YouTube channel Learn English with Azhar Riaz. आज का लेक्चर नंबर 13 एट्रीब्यूटिव नाउन के बारे में है. एट्रीब्यूटिव नाउन एक्चुअली कंपाउंड नाउन की ही एक टाइप है, जो कि मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 12 वो कंपाउंड नाउन्स पे था और उसमें मैंने तीन टाइप्स बताई थी. आज फर्दर कंपाउंड नाउन की ही एक और टाइप है, बहुत स्पेशल टाइप है, यूनिक है, उसको समझिए कि वो क्या है. एट्रीब्यूटिव नाउन की डेफिनेशन आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. अ नाउन दैट इज यूज्ड बिफोर एन अदर नाउन टू गिव मोर इंफॉर्मेशन एंड दैट बिहेव्स एज एडजेक्टिव. तो ये मैं आपको एक्सप्लेन अब करता हूँ कि ये डेफिनेशन एक्चुअली है क्या और ये कौन सा स्पेशल केस है और कौन सा स्पेशल नाउन होता है ये एट्रीब्यूटिव नाउन. अच्छा, उससे पहले आप ये देख लीजिए ज़रा, ये तीन मैंने इसके नाम लिखे हैं, डिफरेंट इसके नेम्स हैं. एट्रीब्यूटिव नाउन को आप कन्वर्टेड एडजेक्टिव भी बोलते हो, नाउन एडजंक्ट भी बोलते हो, प्री मॉडिफायर नाउन भी बोलते हो. प्री मॉडिफायर नाउन और पोस्ट मॉडिफायर नाउन दो नाउन होते हैं. मॉडिफायर्स की दो टाइप्स होती हैं इजीली आपके लिए. तो हमारा कंसर्न जो होगा वो सिर्फ प्री मॉडिफायर नाउन से होगा. एट्रीब्यूटिव नाउन, एट्रीब्यूटिव नाउन इज ऑलवेज प्री मॉडिफायर नाउन. अब ये प्री मॉडिफायर क्या होता है? प्री मॉडिफायर एक्चुअली वो मॉडिफायर होता है जो एक्चुअल वर्ड जिसको वो मॉडिफाई कर रहा होता है उससे वो पहले आता है, कम्स बिफोर. ये यहाँ पे आपको मैंने लिख के बताया है, दैट इज यूज बिफोर अनदर नाउन. ठीक है, बिफोर अनदर नाउन, तो बिफोर प्री मॉडिफायर. ठीक हो गया. देखिए अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जरा, चिकन सूप. ये हमारे पास एक कंपाउंड नाउन है. अब कंपाउंड नाउन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया लेक्चर नंबर 12 में. इससे पहले आप वो लेक्चर देख लें, आपको सजेशन भी नजर आ रही है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस लेक्चर पे चले जाएंगे. चिकन सूप इसी तरह है, गवर्नमेंट पॉलिसी इसी तरह है, स्टील ब्रिज है, फील्ड प्लेयर है. अच्छा, अब गौर से जरा समझ, इसमें ट्रिक क्या है. चिकन भी एक नाउन है, सूप भी एक नाउन है, दो वर्ड्स मिले, एक कंपाउंड नाउन बना. अब जब दो नाउन किसी भी वर्ड में आते हैं या किसी भी कंपाउंड नाउन में आते हैं तो सिंपलेस्ट वे है, एट्रीब्यूटिव नाउन ऑलवेज पहला नाउन होता है. ठीक है, जो कि इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको इस सूप को एक्सप्लेन कर रहा है कि सूप किस चीज का बना हुआ है. ठीक है, ये सूप का एट्रीब्यूट है चिकन, चिकन सूप. तो ये वाला जो चिकन वर्ड है ये एट्रीब्यूटिव नाउन कहलाएगा. इसी तरह गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि पॉलिसी दैट इज मेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो गवर्नमेंट हमारा एट्रीब्यूटिव नाउन है. इसी तरह स्टील ब्रिज, स्टील एक मेटल है, नाउन है, ब्रिज एक नाउन है. तो स्टील हमारे पास ब्रिज को डिफाइन कर रहा है कि किस चीज से बना हुआ ब्रिज है, तो स्टील हमारे पास एक एट्रीब्यूटिव नाउन होगा. इसी तरह फील्ड प्लेयर है, फील्ड भी एक नाउन है एंड प्लेयर भी एक नाउन है. तो जो पहला नाउन होता है वो ही हमेशा एट्रीब्यूटिव नाउन होता है, ये आपने याद रखना. अच्छा, एक और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे फील्ड के और प्लेयर के दरमियान एक स्पेस है जो कि टाइप है स्पेस्ड कंपाउंड नाउन्स की, लेक्चर नंबर 12 अगेन. तो एट्रीब्यूटिव नाउन के लिए ये जरूरी नहीं है कि दो वर्ड्स के दरमियान हमेशा स्पेस होनी चाहिए, जैसे कि इन वर्ड्स में आपको नजर आ रही है. ठीक है, फील्ड हाउस एक ऐसा वर्ड है जिसमें स्पेस नहीं है. ठीक है, ये क्लोज्ड कंपाउंड नाउन की एक टाइप है. तो अगर दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस ना भी हो तो भी पहला नाउन जो होगा फील्ड वो एट्रीब्यूटिव कहलाएगा. गॉट इट? तो ये आप लोगों ने बात क्लियर रखनी है अपने माइंड में. ये देखिए, ये एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, स्विमिंग एंड पूल. स्विमिंग हमारे पास एज अ जेरंड यूज होता है क्योंकि आई एन जी फॉर्म है. ठीक है, तो आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम एज अ नाउन यूज करते हैं. एज अ वर्ब भी यूज होती है, प्रोग्रेसिव वर्ब भी यूज होता है, लेकिन हम इसको एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं. तो जब आई एन जी फॉर्म को हम एज अ नाउन यूज करते हैं तो वो जेरंड कहलाता है. तो लिहाजा हमारा जेरंड भी एट्रीब्यूटिव नाउन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग एज एन एक्टिविटी आ रहा है, पूल के साथ
स्विमिंग एज अ नाउन आ रहा है, तो यहाँ पे स्विमिंग ये आपके पास जेरंड भी है, एट्रीब्यूटिव नाउन भी है, और ये होल वर्ड एक कंपाउंड नाउन है। अच्छा, अब ये कुछ इसके फीचर्स हैं, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दी है लेकिन देख लें आप इसको। अ टाइप ऑफ कंपाउंड नाउन, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एट्रीब्यूटिव नाउन इज ऑलवेज अ टाइप ऑफ कंपाउंड नाउन, दैट इज अ स्पेशल टाइप। अच्छा, ये देखिए, ओनली नाउन नाउन कॉम्बिनेशन इज यूज इन एट्रीब्यूटिव नाउन। ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है, क्योंकि कंपाउंड नाउन्स में हमारे पास जो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है उसमें पहला वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ड्राई क्लीनिंग की मैंने एग्जांपल दी थी आपको, ड्राई एक एडजेक्टिव है और क्लीनिंग जो कि जेरंड है वो एक नाउन है, तो एडजेक्टिव नाउन का कॉम्बिनेशन होता है कंपाउंड नाउन में। लेकिन जब हम एट्रीब्यूटिव नाउन्स की बात करते हैं तो दो वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑलवेज नाउन नाउन का होता है, यानी कि दोनों ही नाउन होंगे, ठीक है। ये बस आपने बात याद रखनी, जैसे ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, यानी कि कोई बंदा आपको कहता है कि ये दो वर्ड्स आपको कोई लिख के दे देता है, कंपाउंड नाउन लिख के देता है, और आपको कहता है कि इसमें मुझे एट्रीब्यूटिव नाउन बताएं, तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या वो दोनों वर्ड्स दोनों ही नाउन्स हैं या नहीं है। अगर पहला एडजेक्टिव है तो आपने फौरी तौर पर क्रॉस लगाना है और उसको कहना है कि भाई दो नाउन लिख के दें तो मैं एट्रीब्यूटिव नाउन आपको बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, अदरवाइज ये एट्रीब्यूटिव नाउन उसमें हो ही नहीं सकता जिसमें नाउन नाउन कॉम्बिनेशन ना हो। उसके बाद है जनाब, ऑलवेज फर्स्ट नाउन इज एट्रीब्यूटिव। वही बात कि जब नाउन नाउन कॉम्बिनेशन आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो उसके बाद भी जो पहला नाउन होता है वही एट्रीब्यूटिव नाउन होता है। आंखें बंद करके आपने उसको इनसर्कल कर देना कि ये एट्रीब्यूटिव नाउन है। हाँ जी, ये एक और फीचर है, एडजेक्टिव कम्स बिफोर एट्रीब्यूटिव नाउन। जब हमारे पास कोई भी एट्रीब्यूटिव नाउन होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स इज इटसेल्फ अ नाउन, उसके बाद कार जो है वो भी हमारे पास एक नाउन है, तो स्पोर्ट्स कार हो गया हमारे पास एट्रीब्यूटिव नाउन, तो रेड जो है वो कलर है हमारे पास और ये होता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हमेशा एट्रीब्यूटिव नाउन से पहले ही आता है। ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। बस एक और बात क्लियर कर लें, रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, मैंने आपको बताया था जेरंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो एज अ नाउन बिहेव करते होता, वो बेसिकली वर्ब है लेकिन वो बिहेव और यूज हो रहा होता है एज अ नाउन। यहां पे देखें, यहां पे एट्रीब्यूटिव नाउन के केस में क्या होता है कि चिकन जो है वो है तो नाउन, लेकिन इसका जो फंक्शन है ना और जो इसका यूज है, सेंटेंस कह लें या कंपाउंड वर्ड कह लें या कंपाउंड नाउन कह लें, तो वहां पे इसका फंक्शन नाउन का क्या हो रहा है, एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो जेरंड में वर्ब नाउन के तौर पे बिहेव करता है और एट्रीब्यूटिव नाउन में नाउन एज एन एडजेक्टिव बिहेव करता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।